अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल। हमने अभी जो है शॉर्ट रिव्यू इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, जिसमें हमने डिस्कस की थी बेसिक्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे या हम बात करेंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मे बी एम्पर्स लॉ की, क्योंकि उसी से हमें ये चीज़ें पढ़ते ही हम जो है फिर मैक्सवेल्स इक्वेशंस की तरफ जाएंगे। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कहता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स produces electric field which is given mathematically in the form of surface integral of electric field. यानी हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो वो क्या वजह बनेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह बनेगा। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कब होगा? जब हम मैथमेटिक फॉर्म देखते हैं सरफेस इंटीग्रल की ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को ही रिपीट किया है इन फॉर्म ऑफ दिस, लेकिन ये फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है और इसमें जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव पार्ट हमें क्या बता रही है? नेगेटिव पार्ट हमें बता रहे हैं कि ये वो फॉर्म्स को उस फॉर्म को अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो चीज़ यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो उस फोर्स को अपोज कर रहा है, इसलिए वहाँ पर हमारे पास वो नेगेटिव साइन आ रही है। यानी इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वजह से मैग्नेटिक जिस वजह से प्रोड्यूस हुई है तो वो उस फोर्स को अपोज करेगी। सो इट मीन्स यानी कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मौजूद होगी जो कि जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो इसलिए वहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन आता है। और यहाँ पर जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, और फाइव बी यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके पास जो फाइव बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को। Changing magnetic flux induces electric field. यानी अगर magnetic flux में change आ रहा है तो electric field induced होगी। But the question comes in mind that the symmetry, which is often very common in physics, यानी हमारे जहनों में ये सवाल जरूर आते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये चीज exist कर रही है और अगर ये चीज ये electric field जो प्रोड्यूस हो रही है या इंड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या वजह है? वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो कि इनके दरमियान हमारे पास ये इतनी कॉमन सिमेट्री जो है हमारे पास आ रही है? या फिर कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जैसे कि डज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड? क्या ये हो सकता है कि आपके पास जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है हमारे पास, क्या वो वजह बन रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की? या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज आ रहा हो तो वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह बन रहा हो? अब ये दोनों बातें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, क्योंकि ऊपर हमने जो चीज़ें पढ़ी हम ये पढ़ के आए अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी इटसेल्फ। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या ये भी क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी? दोनों क्वेश्चन अपनी जगह सही है। तो अब इससे हम आगे थोड़ा सा जाते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन आती है इंटीरियर सरफेस इंटीरियर ऑफ अ क्लोज सरफेस वी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विद इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है? अब हम देखते हैं इक्वेशन 5 कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑफ इंडक्शन, यानी इसको हम क्या कह रहे हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन। सॉरी आई एम मिसिंग
मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन यानी इक्वेशन 5 जो कि हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास हम ये देख रहे हैं, ये जो है इसको हम कह रहे हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन, वेयर जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स इज एन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फाई ई तो हमारे पास जो ये है फाई ई, ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो बी है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। तो मोस्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, तो कुछ चीज़ें हमारे जहनों में उठती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन सी इन बोथ इक्वेशन 5 एंड 6, यानी हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हमें कुछ ना कुछ बता रही है। इक्वेशन 5 हमें बता रही है वो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन है। इक्वेशन 6 को भी हमने कोई नाम नहीं दिया, हम आगे चलते हैं कि वो हमें क्या बताइए। इक्वेशन 5 में हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, जो कि मैंने आपसे बात की कि वो जिस कॉज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी क्या करेगा वो उस कॉज को अपोज करेगा। तो वो उस कॉज को अपोज करने की वजह वो नेगेटिव साइन है, और वो नेगेटिव साइन असल में क्या बोलते हैं हम उसको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 5 में ड्यू टू लेंस लॉ। और इक्वेशन 6 हमें क्या बता रही है, इक्वेशन 6 में हमारे पास पॉजिटिव साइन है और वो इंडिकेट कर रही है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हैव ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सिचुएशन एंड वी कैन ऑब्जर्व। यानी हमारे पास ये वाला जो पार्ट है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये वाला पार्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास रिप्रेजेंट द करंट, या मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज है, यानी वो ये प्रोड्यूस करे कि वहाँ पर करंट मौजूद है, या मैं कहूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो यहाँ पर मेरे पास आई आ सकता है, यानी इसका मतलब एप्सिलॉन एंड नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है करंट। सो इट मीन्स यानी कि इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैंने क्यों की रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करते हैं तो वो इक्वल्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट के। उसका मतलब है कि और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो इसका मतलब है कि जब हमने बात की कि दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, सो यहाँ पर ये प्रोड्यूस होंगी इन दिस सिचुएशन, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई डी डी टी रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिप्रेजेंट द करंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो जहाँ पर डी फाई ई था, फाई ई जिसको था हमने वहाँ पर रिप्लेस कर दिया इसको ई ए से, क्योंकि फाई ई असल में डॉट प्रोडक्ट होता है ई ए का, और जहाँ पर ई ए कॉस थीटा था, और कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है तो आपके पास डायरेक्टली ई ए आ जाएगा। अब हमने इसकी यूनिट्स की जो है वो यूनिट्स को हमने जो है वो निकाला है कि असल में जब हम ऊपर जो बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी डी टी रिप्रेजेंट्स अ करंट, यानी ये जो हमारे पास फैक्टर है ये कैसे हमारे पास आई के इक्वल आ रहा है, अब हम देखते हैं। हमने इसकी यूनिट्स को लिया है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो 1/2 सेकेंड स्पीड के साथ है। इसी तरीके से ई का जो है 1/2 सेकेंड असल में यूनिट है, एस जो है यूनिट है टाइम का यूनिट है, और वोल्ट पर मीटर असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब होगा क्या, मीटर और मीटर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली आई है। अभी हमने कैंसिल नहीं किया है, हमने क्या किया वोल्ट पर मीटर इसको हमने रिप्लेस कर दिया न्यूटन पर कूलम से, हमने इसको क्वेश्चन को न्यूटन इस इक्वेशन में हमने जो है जो ई है जिसका यूनिट वोल्ट पर मीटर था हमने इसे इक्वल कर दिया न्यूटन पर कूलम के। बट व्हाई इट हैपेंस, हमने ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ पर यानी ये जो वोल्ट पर मीटर है आपके पास इसको हमने रिप्लेस कर दिया, वी हैव रिप्लेसेस फ्रॉम न्यूटन पर कूलम, बट व्हाई इट हैपेंस, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वोल्ट पर मीटर भी होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है वोल्टेज पर डिस्प्लेसमेंट के। सो न्यूटन पर कूलम कैसा, वो इसलिए आ गया क्योंकि फोर्स बराबर होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट। अगर मैं ई यानी क्यू को उधर ले जाके आपसे डिवाइड करवा दूँ तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
और क्यू का यूनिट होता है कूलम। तो उसका मतलब है मैं वोल्ट पर मीटर को रिप्लेस कर पा सकती हूँ न्यूटन पर कूलम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास वोल्टेज पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पर चार्ज दोनों के इक्वल होती है। तो ये मैंने रिप्लेस करवा दिया। अब होगा क्या, अगले स्टेप पे मेरे पास क्या होगा कि कूलम और एक कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन न्यूटन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आखिर में मेरे पास क्या बचेगा, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड हमें क्या बताता है, कूलम जो है मेरे पास यूनिट होता है चार्ज का यानी क्यू का, और सेकंड मेरे पास यूनिट होता है टाइम का। इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल हुआ या कीजिए टाइम करंट के इक्वल हुआ। उसका मतलब है कि ये जो मेरे पास कूलम पर सेकंड आ रहा है ये असल में एम्पेयर्स का यूनिट है, और एम्पेयर मुझे क्या बताता है, करंट। तो उसका मतलब है जो मेरे पास राइट हैंड साइड आई थी एप्सिलॉन नॉट, जिसमें पार्ट मेरे पास एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, वो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा था करंट को। सो दिस रिप्रेजेंट टर्म्स आउट टू बी एम्पेयरियन मैक्सवेल्स लॉ। और तो वो पार्ट हमें क्या बता रहा है कि वो पार्ट क्या है, असल में एम्पेयर्स मैक्सवेल्स लॉ है। इक्वेशन नंबर 6 इज कॉल्ड द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन व्हिच इज। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या थी, हमने जो इक्वेशन नंबर 6 निकाली थी, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो रिप्रेजेंट, इसमें जो हमारे पास वो इक्वेशन नंबर 6 में जो हमारे पास पार्ट था एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा था करंट को। यानी हमने ये जो डिस्क्रिप्शन निकाली, जो हमने डिस्क्रिप्शन निकाली, इसके पास हमारे पास ये आई इक्वल आई के, उस आई को हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 6 में उस पार्ट से रिप्लेस करवा दिया। तो आपके पास ये रिप्लेस हुआ, ये आई आ गया। और ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, ये क्वेश्चन असल बेसिकली कहाँ से आई थी, अगर आप लोग रिकॉल कीजिए, ये असल में हमारे पास वो एम्पेयर्स लॉ है जिसको हम फर्दर स्टडी करके आ चुके। तो अब ये क्वेश्चन ओरिजिनली एम्पेयर्स लॉ है, लेकिन इसका बेसिकली नाम क्या है, क्योंकि ये चेंज हुई है, ये क्वेश्चन चेंज हुई है जो कि मैक्सवेल की डिस्कवरी के बाद हुई है, उसके कुछ सम रिजल्ट थे जिसके बाद उसने ये चीज़ जो है इंड्यूस की थी। तो हमारे पास देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको रिप्लेस करवाया है हमने किससे, आई से। हमने इसको यूनिट्स यूज किया है, इक्वेशन से ओरिजिनली प्रेजेंट कॉल एम्पेयर्स लॉ, और हम जो है एम्पेयर्स लॉ को जो है बेसिकली स्टडी कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो कंबाइन, हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो है लेफ्ट हैंड साइड उनकी सेम है, दोनों को कंबाइन किया ऐड कर दिया, तो कंबाइन होकर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, फाइव बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई आई अपॉन डी डी टी। ये वाला पार्ट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पेयर्स लॉ को, और ये वाला पार्ट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या करवा दिया, कंबाइन करवा दिया। अब जब हम कंबाइन करवाया तो इस इक्वेशन से हमें एक नया नाम मिलता है और वो कहलाता है एम्पेयरियन मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन। सो इट मींस व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द वायर नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आपके पास सर्किट में कि कोई भी सर्किट है उसमें करंट पास हो रहा है तो क्या होगा, उस करंट के पास होने से हमारे पास जो है फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो हमारी जो ये वाली टर्म्स है वो जीरो हो जाएगी, यानी मैक्सवेल वाला पार्ट हमारे पास, मैक्सवेल्स लॉ वाला पार्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब है अगर किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर में वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज वापस नहीं हो रहा, करंट पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो ये वाली सेकंड टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी, जो कि ये इक्वेशन क्या होगी आपके पास, ये इक्वेशन क्या होगी आपके पास, ये इक्वेशन आपके पास असल में एम्पेयर्स लॉ बन जाएगी। और अगर सिमिलरली ऐसा हो जाए कि सर्किट में कोई करंट पास नहीं होगा, जब सर्किट में कोई करंट पास नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी होगी। तो इट मीन्स इसका मतलब है इस इक्वेशन में फिर ये वाला पार्ट हमारे पास जीरो हो जाएगा, और जब ये वाला पार्ट होगा तो हमारे पास डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन में क्या बचाएगा, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन वाला पार्ट बचेगा। सो इट मीन्स, और ये वाली चीज़ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये वाला केस हमारे पास यूज होता है जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं। सो ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बोथ एम्पेरियन मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन।
जिसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एम्परर्स लॉ को, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्सस लॉ को. और जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया एम्परर्स मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन. मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. सो मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, यानी ये जो हमारे पास लॉ है एम्परर्स लॉ और मैक्सवेल लॉ, ये कंबाइंड जो है हमारे पास फॉर्म है किसका, एम्पिरियन मैक्सवेल लॉ का. तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला जो ये जो बी है, इस बी को हम क्या आगे, इस बी को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये चीज पार्ट हमारा यही खत्म होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का. नए टॉपिक में हम आपके साथ फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़. शुभ है.